हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की पूरी रेसिपी मेरी। तो आज की तो नहीं है ये वीडियो, 4 दिन पहले मैंने इसको शूट की थी पर अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम थी, थोड़ा मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही थी पर अभी भी ठीक नहीं हुई है। पर मैंने सोचा कि अब कितना लेट करूँ तो इसलिए मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। तो ये मैं बिल्कुल एक बंगाली पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। तो इसमें मैं मछली की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ, साथ के साथ मैं चावल बनाऊँगी और ये बैगन फ्राई बनाऊँगी, इसे बेगुन भाजा बोलते हैं बंगाली में। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मछली ली है, ये रेहू मछली है, मैंने ये वेट में 1.5 kg है। मैंने इसे अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया है, तो इसे आप नाइफ के उल्टे साइड से ऐसे करके क्लीन कर लें और अच्छी तरह से इसे साफ कर लें। तो अब इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो 1 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसको मैरिनेट नहीं करना, बस ये सिंपल करके इसे फ्राई करना है। इसको कोई ज़्यादा टाइम रखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप चाहो तो 10 मिनट इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं, नहीं तो आप साथ के साथ इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये मछली बिल्कुल मैरिनेट हो चुकी है। मछली फ्राई करने से पहले मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 2 लहसुन की मैंने पोटली ली है। तो जल्दी से मैं प्याज छील के मसाला पीस लेती हूँ। फिश किस किस की फेवरेट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुँचे। तो ये मैंने इसमें प्याज डाल दिया, लहसुन भी मैंने पूरी इसमें डाल दी। अब इसमें मसाले डाल देते हैं, सब कुछ एक साथ ही ग्राइंड करना है, कोई चीज़ अलग से नहीं डालनी हमें। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जीरा डाल दिया है, आप चाहो तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हो। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें गोल मिर्च डाल दिया है और इस ये सरसों डाल दी है साबुत। 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च की क्वान्टिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब पानी डाल के इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल हमें स्मूथ फाइन पेस्ट इसको ग्राइंड करना है क्योंकि इसकी ग्रेवी थिन रखनी है इसलिए। तो अब मैं जब तक चावल चढ़ा देती हूँ, जब तक हमारी मछली तैयार होगी तब तक ये चावल भी बन जाएंगे। तो ये हम लोग ये मोटी वाली चावल बनाते हैं और शुरू से मेरे घर में दोपहर में राइस बनता है और वो यही वाली राइस होती है, तो ये उबाल के बनता है। तो अब यहाँ पे हम चावल मैंने चढ़ा दिया है, अब मछली फ्राई कर लेते हैं। तो फिश को हमें डीप फ्राई करनी है तो इसलिए उस हिसाब से आप तेल डालें उस क्वांटिटी में, और तेल बिल्कुल गर्म हो जाए, बिल्कुल ऐसे नहीं कि नॉर्मल तेल में डाल दिया तो मछली टूटने लगेगी, बिल्कुल गर्म हो जाए जब तेल। तो उसमें ऐसे एक एक करके आप मछली के पीसेस डाल दें और इसे क्रिस्पी फ्राई करनी है। और हाँ, ध्यान रखें कि जब भी आप फिश फ्राई करें तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करें, लो फ्लेम पे अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो ये मछली की पीसेस टूटने स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मेरा गला अभी भी ख़राब है पर मैं और ज़्यादा डिले नहीं कर सकती थी, और अभी बीच में मैंने थोड़ा शिफ्ट वगैरह भी हमें करना था तो इस वजह से भी बहुत डिले हो गया। देखिए इस तरह से फ्राई करना है, बिल्कुल यही कलर आना चाहिए। अगर आप फिश को अच्छे से फ्राई करोगे, क्रिस्पी फ्राई करोगे तो जब आप ग्रेवी में डालोगे तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा और मछली जल्दी टूटेगी भी नहीं। और बहुत हल्का अगर फ्राई करोगे आप तो वो ग्रेवी में डालने से मछली फिर वो टूटने लग जाती है। तो अब इसी तरह से इसकी बाकी पीसेस भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने मछली की पूंछ डाल दी इसमें, मछली की पूंछ किस किस का फेवरेट है ये भी मुझे बताना। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, आप इसे ऐसे ही खाओ बहुत टेस्टी लगेगा।
अब इसकी मुंडी फ्राई करने के टाइम प्लीज़ इसे ढक के फ्राई करना, वरना तेल की छींटे बहुत पड़ती है इसमें। फिर इस तरह से मैं सारे साइड से फ्राई कर लिया मैंने, तो ये हमारा फ्राई वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब इसको जो तेल बचा है उसी तेल में हम इसे बनाएंगे, इसे वेस्ट नहीं करना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप दूसरे बर्तन में इस तरह से तेल सारा जो है इसमें डाल लें। अब इसमें मैंने एक छोटा चम्मच मेथी के दाने डाल दिए हैं। मेथी के दाने क्रैकल होने के बाद इसमें मसाले डाल देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड किया है। इस तरह से किस किस के घर में मछली बनती है मुझे ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। इसे अच्छे से भून लेना है हमें। अब मैं मछली में आलू भी डालूंगी, तो मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज के आलू ले लिए। इसे ऐसे मैं कट कर लेती हूँ। तो आप चाहो तो मछली में गोभी भी डाल सकते हो, मटर भी डाल सकते हो। मैं अगली वीडियो जब आपके साथ शेयर करूँगी फिश की, तो मैं उसमें आपके साथ शेयर करूँगी, मैं गोभी और मटर डाल के आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। तो मसाला जो है भुन चुका है 5 से 7 मिनट। अब इसके में साथ के साथ आलू डाल देंगे। आलू को हमें पहले कुक करना है क्योंकि मछली के साथ नहीं डाल सकते, मछली टूटने लग जाएगी जितना टाइम आलू को गलने में लगेगा, इसलिए आलू को पहले हमें पकाना है। साथ ही में इसमें मैं नमक डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें इसमें। उसे अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे 10 मिनट कुक कर लें। ये देखिए चावल बिल्कुल कुक हो चुकी है हमारी। तो अब इसका पानी मैं ड्रेन कर दूँगी। तो ये जो चावल बनते हैं बिल्कुल फैट फ्री होता है और ये कोई हैवी भी नहीं लगता, और ये किसी भी सब्जी किसी भी चीज़ के साथ आपका और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो मैंने ये 3 टमाटर भी मैंने स्लाइस चॉप कर लिए हैं मछली में डालने के लिए। अब देख ही रहे हो मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है, पर प्लीज़ मैनेज कर लेना यार। तो अब मैं बनाऊँगी बैंगन भाजा, हम इसे फ्राई करेंगे बैंगन को इसको मैरिनेट करके। तो इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लें। बंगाली डिश में तो ये बैंगन भाजा तो होता ही होता है, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, फंक्शन या कुछ भी, लोग रोज़ भी खाते हैं, हर खाने पे ये तो होता ही होता है। इसे मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक से मैरिनेट कर लिया है। ये देखें 10 मिनट बाद इसे चेक करते हैं, आलू जो है वो लगभग कुक हो चुके हैं। तो अब इसे टमाटर के साथ भी थोड़ी देर कुक कर लेते हैं। 2 मिनट इसे टमाटर के साथ पका लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी डाल लें अगर मसाले चिपकने लगे तो। अब इसमें ग्रेवी लगाते हैं, तो मैं 2 ग्लास इसमें जितना मसाला था उस हिसाब से मैं 2 बड़े ग्लास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आपको ग्रेवी थिन रखनी है या थिक रखनी है आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। और इसे बॉयल होने तक, जब तक अच्छे से इसमें बॉयल ना हो जाए, इसे हमें कुक करना है। उसके बाद फिर इसमें मछली डालेंगे। अब ये मैं यहाँ पे बैंगन जो हमने मैरिनेट किया था उसे फ्राई कर लेते हैं हम। तो 2-2 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। ढक के कुक करें या बिना ढक के कुक कर लें। दो मिनट बाद इसे फ्लिप कर लेना है। तो अब देखते हैं हमारी मछली कहाँ तक पहुँची, मछली का ग्रेवी बिल्कुल बॉयल हो चुकी है। देखिए इस तरह से बॉयल आना चाहिए पानी में। इसमें एक एक करके मछली के पीसेस हम ऐड कर देंगे और सारी मछली को अच्छे से डिप कर देना है ग्रेवी में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग
कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो, कौन कौन से शहर से, कौन कौन से गांव से आप लोग मेरी वीडियो देखते हो मुझे ज़रूर बताना, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर शेयर करना, और आप अगली कौन सी मछली की रेसिपी देखना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो इस स्टेज पे आप हरी मिर्च डाल दो, 2 से 4 या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे तोड़ के हरी मिर्च डाल दो आप, और यहाँ पे आप नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। साथ ही मैं धनिया पत्ता काट के डाल देते हैं इसमें। ये मछली जब आप राइस के साथ खाओगे ना, तब फिर आप बोलोगे कि सही में कितनी अच्छी रेसिपी है ये। लगभग बहुत सारे लोग ही बनाते होंगे इस तरीके से, मेरी कोई पर्सनल रेसिपी तो नहीं होगी ये, क्योंकि खाना बनाने का तो सबका एक ही तरीका होता है, थोड़ा कुछ आगे पीछे होता है। तो उसे हम 5 मिनट कुक कर लेते हैं मछली को मीडियम फ्लेम पे, ताकि ग्रेवी अच्छे से उसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब इसे ऐसे फ्लिप कर दें आप, 2 मिनट हो चुके हैं, इसे फ्लिप कर दें, और फिर 2 मिनट हमें इसे दूसरी साइड से कुक कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल कुक हो चुका है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। और इधर हमारी फिश भी रेडी हो चुकी है, चावल भी रेडी हो चुके हैं, तो अब जल्दी से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना फ्लेम बंद कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, आप ये कितना ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है आप किसी बंगाली से पूछो। ये फीलिंग तो कोई बंगाली ही समझ सकता है, या कोई फिश लवर जिसे मछली खानी बहुत पसंद हो। तो मैंने इसे यहाँ पे सर्व कर लिया है, तो वहाँ पे मैंने पूंछ दिखाई थी, यहाँ पे मैं इसकी मुंडी दिखा रही हूँ। अच्छा, तो मछली की मुंडी खाना किस किस को पसंद है ये भी मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। ओके, बाय।